गैदर, आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme 8 एंड 8 Pro के बारे में। काफ़ी सारे यूजर भैया यहाँ पे कंफ्यूज में हैं कि Realme 7 और 7 Pro को परचेस किया जाए या फिर कुछ दिन वेट किया जाए। तो भैया मेरी रिकमेंड आपसे ये रही कि आपको कुछ दिन वेट किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स वगैरह आ रहे हैं Realme 8 एंड 8 Pro के रिगार्डिंग कि दोनों स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। मे बी फरवरी के अंदर ये दोनों स्मार्टफोन जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और दोनों स्मार्टफोन जो है वो हमें 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन को भी अपग्रेड किए गए। तो भैया आप लोग अपने पैसे को 4G स्मार्टफोन के ऊपर क्यों खर्च करोगे, जबकि आपको यही सिमिलर प्राइस रेंज के ऊपर कुछ दिन वेट करने के बाद 5G प्लस काफ़ी सारे अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन जो है वो मिलने वाले हैं। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme 8 एंड 8 Pro के कुछ कन्फर्म होते हुए स्पेसिफिकेशन के बारे में कि भैया क्या कुछ हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह Realme 8 एंड 8 Pro के ऊपर मिलने वाले हैं। तो भैया आपने जो डिसीजन लिया है Realme 7 और Realme 7 Pro को लेने का, तो इस डिसीजन को आप लोग अभी जस्ट ही कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि चाइना के अंदर जो Realme V15 को रिलीज़ किया गया है, इसे ही रीब्रांडेड करके हमारे इंडिया के अंदर Realme 8 के नेम से रिलीज़ किया जाएगा, और V15 की जो मॉडल नंबर है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन के अंदर लिस्ट किए गए। तो जाहिर सी बात है V15 जो है वो इंडिया के अंदर रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन Realme 8 के नेम से। और ये अगर सच होता है तो हमें जो स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो V15 की तरह ही देखने को मिलेंगे, और Realme 8 Pro के अंदर हमें कुछ इससे हटके स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाले हैं। तो Realme 8 Pro के रिगार्डिंग हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं Realme 8 के रिगार्डिंग। Realme 8 के अंदर हमें Realme V15 की तरह स्पेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लीक्स वगैरह आ रहे हैं कि Realme V15 को ही रिब्रांडेड करके इंडिया के अंदर Realme 8 के नेम से रिलीज़ किया जाएगा। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट साइड डिस्प्ले की, तो फ्रंट पे हमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिला है Realme V15 के अंदर। मे बी हमें Realme 8 के अंदर यही सेम स्पेक जो है वो देखने को मिले, और हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, वही 1600 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे चिपसेट की, तो चिपसेट हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रही है MediaTek की तरफ से। Dimensity 800U की जो 5G चिपसेट है वो हमें देखने को मिल रही है, जो कि 7 Olympic क्लॉक्ड है। और एंटूथ बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 3,20,000 के अप्रोक्स हमें एंटूथ बेंचमार्क स्कोर जो है वो इस प्रोसेसर की देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए बैक साइड डिज़ाइन की, तो बैक पे हमें इस बार भी Realme 7 सीरीज की तरह ही पॉलीकार्बोनेट की एक प्लास्टिक बॉडी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमें कुछ हटके और न्यू देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस बार हमें ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप दिया जा रहा है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। और जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर सोफ के लिए दिया जाता है, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट पे हमें 16 मेगापिक्सल की पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है, जो कि ऑलरेडी हमने Realme 7 और Realme 7 Pro के ऊपर देख चुके थे। इसके अलावा बात करें हम लोग बैटरी इमेज की, तो यहाँ पे हमें 4310 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि बैटरी इमेज थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड पैनल भी मिल जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान पे रखना है। और हाँ, यहाँ पे हमें विद बॉक्स 65W की डार्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ Realme V15 जो है वो चाइना के अंदर रिलीज़ किया गया है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो V15 है वो इंडिया के अंदर भी रिलीज़ किया जाएगा, बट इसे रीब्रांडेड किया जाएगा Realme 8 के नेम से। ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर रिलीज़ हो सकता है, तो इसलिए मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताया हूँ। इसके अलावा बात करें हम लोग Realme 8 Pro की, तो Realme 8 Pro के रिगार्डिंग अभी काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स ही आ रही है, कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। 8 की मैंने आपको इसलिए ऑफिशियल कन्फर्मेशन के थ्रू बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि V15 जो है वो हमें इंडिया के अंदर रीब्रांडेड करके 8 के नेम से देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दिया। अब बात करें 8 की, तो 8 के रिगार्डिंग जो लीक्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 8 Realme 8 Pro के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड देखने को मिल रहा है कैमरे के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर। इसके अलावा एक डाउनग्रेडेड भी किया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले Realme 8 Pro की अगर बात करें बैक कैमरे की, तो बैक पे हमें क्वाइड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन भैया यहाँ पे मेन सेंसर की लीक्स आ रही है कि वो हमें 108 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपग्रेडेड हमें Realme 8 Pro के अंदर देखने को मिलेगा, और वैसे मेरे ख्याल से ये हो भी सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे सीरीज देख चुके हैं जहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल की ही कैमरा देखने को मिली है। तो इस बार हमें 8 Pro के अंदर 108 मेगापिक्सल की जो सेंसर है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3 और सेंसर्स होंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो सेंसर। इसके बाद अगर बात करें चिपसेट प्रोसेसर की, तो 8 Pro के अंदर हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से चिपसेट देखने को मिलने वाली है,
स्नैपड्रैगन 750G की जो 5G चिपसेट है वो हमें 8 प्रो के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे हमें रियलमी 7 के अंदर मीडियाटेक की तरफ से चिपसेट देखने को मिली थी और 7 प्रो के अंदर स्नैपड्रैगन की तरफ से चिपसेट देखने को मिली थी, तो वही सेम हमें 8 सीरीज के ऊपर भी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पे बैटरी इमेज की, तो यहाँ पे बैटरी इमेज जो है वो हमें 5000 की देखने को मिल सकती है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें LCD पैनल ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कट किया जा रहा है। एक तो कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है, प्रोसेसर हाई दिया जा रहा है, तो यहाँ पे LCD पैनल के ऊपर प्राइस जो है वो कट किया गया है, एमोलेड पैनल नहीं दिया गया, नॉर्मल सी LCD डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलने वाला है, मे बी 120 हार्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट Realme 8 Pro के अंदर हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट की रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल पंच होल कटआउट के साथ हमें सेल्फी का सेटअप मिल सकता है। इसके अलावा जो बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है वो हमें Realme V15 के जैसा ही देखने को मिलेंगे, और Realme V15 को बताया जा रहा है कि वो इंडिया के अंदर रीब्रांडेड करके Realme 8 के नेम से रिलीज किया जाएगा। तो देखते आगे क्या कुछ होता है, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल ये थे कुछ Realme 8 एंड 8 Pro के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिकेशंस जो मैं आपसे शेयर कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो Realme 8 की जो प्राइस है वो 16 से 17,000 के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के अंदर V15 की जो प्राइस है वो आप लोग देख सकते हो, इसे अगर हम इंडिया रुपीज में कन्वर्ट करते तो वो लगभग 16 से 17,000 के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें Realme 8 Pro की प्राइस की, तो वो हमें 20 to 21,000 के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे प्राइस की रिगार्डिंग, कन्फर्म स्पेसिफिकेशन की रिगार्डिंग, तो वो मैं आपसे जरूर से शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अरे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।